YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो शेयर है नालको लिमिटेड, एक टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। काफी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, तो क्या आगे भी रिटर्न दे सकता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए नालको जो है अभी करंट प्राइस है 1623 रुपया। देखिए नालको का जो करंट प्राइस है वो 711 रुपीज है और 1623 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस शेयर की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, लगभग 15% के आसपास है दोनों। और ये एक छोटा सा जो स्मॉल कैप शेयर है ये डिविडेंड भी पे करती है 0.17% का, देख सकते हैं। और वही बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग 50% है, इसमें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें तो डेट इक्विटी काफी कम है 0.90 का और टोटल डेट 72 करोड़ का है, जबकि रिजर्व जो है 57 करोड़ का है। इस तरह से कंपनी जो है काफी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ देख लेते हैं, सेल्स 2009 में था 363 करोड़ का, यहाँ पर सेल्स देखिए डिक्रीज हुआ है, 2021 में मात्र 226 करोड़ का सेल्स। वहीं पे बात करें एक्सपेंस का तो देखिए एक्सपेंस भी कंपनी का डिक्रीज हुआ है, 340 करोड़ एक्सपेंस था 2009 में, यहाँ पर मात्र 181 करोड़ का एक्सपेंस। तो यहाँ पर सेल्स डिक्रीज हुआ है तो एक्सपेंस भी डिक्रीज हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट देखिए लगातार यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट रूप से बना हुआ है, 2010 के आसपास यहाँ पर 22 करोड़ का था, यहाँ पर देखिए कंपनी फिर लॉस में थी, फिर यहाँ पर 2019-20 में 22 करोड़ का, 14 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट है कंपनी का। तो नेट प्रॉफिट अभी भी कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबल है। अब कैश फ्लो की बात करें तो कैश जो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो यहाँ पर कैश है वो यहाँ पर देखिए लगातार पॉजिटिव है, जबकि नेट कैश जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉजिटिव था फिर यहाँ पर निगेटिव हो गया है। वही बात करें इन्वेस्टर का तो प्रमोटर्स का जो यहाँ पर स्टेक है 50% है, FIs का स्टेक 3% है, FIs लगातार स्टेक बढ़ाया है, DIs का स्टेक 3.86% है, DIs भी अपना स्टेक यहाँ पर लगभग कांस्टेंट है, पब्लिक स्टेक देखिए यहाँ पर लगभग 43% के आसपास बना हुआ है। अगर नालको के वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर शेयर प्राइस जो है 900 रुपए का हाई लगा चुका है, 2020 का गिरावट है मात्र 125 रुपए में यह शेयर मिल रहा था। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, जैसे ब्रेक किया तो काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला, तो फिर से कोई भी यहाँ पर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक बनाता है उसको ब्रेक करता है तो काफी अच्छी तेजी हमें इस स्टॉक्स में फिर से देखने मिलेगा। तो काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, फंडामेंटल्स थोड़े खास नहीं है क्योंकि उस कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी जो काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा का भरोसा है इस कंपनी के साथ, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करना सही समझा। देखिए स्टॉक्स जो है 2021 पे भी लिस्टेड था, अभी भी लिस्टेड है, और यहाँ पर 2013 में ये स्टॉक्स मात्र 25 रुपये का था, वही ये लगभग यहाँ पर देखिए 1000 रुपये का हाई लगा चुका है, तो 25 रुपये से यहाँ पर देखिएगा तो लगभग काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो लगभग 40 गुना का रिटर्न दिया है 2013 में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स पे आपको निवेश करना चाहिए। टाटा ग्रुप का ये एक मल्टी बैगर स्टॉक्स था जो कि 2021 में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही बेहतरीन अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।